अमृतसर के कैंट बाजार के विच आर्मी अफसरां दे वल्लों एक नोटिस लगाया गया जिस दे विच सीधे तौर ते लिखा गया यह आर्मी की जगह है इस नूं खाली कर दिता जाए जिसनों लैके कैंट बाजार के इलाका निवासी अमृतसर के डीसी दफ्तर पहुंचे ते मंग पत्र दिता गया। मेरा नाम वरुण सरीन है जी। हाँ जी, की कहना चाहते हो जी? आज तुसी डीसी दफ्तर पहुंचे? आज ही जी डीसी दफ्तर आए हैं समूह इलाका निवासी सदर बाजार कैंट तो। इत्थे जी पिछले कुछ दिनों तो इत्थे एक कोठी है, कोठी नंबर 19। पिछले कुछ दिनों तो आर्मी वाले उत्थे बोर्ड ला गए ने कि यह एरिया हाडा वा, इनू खाली कर दिता जाए। जब असी उन्होंने गल करन दी कोशिश की उन्होंने साढ़े ना कोई गल नहीं की। अभी ये वैसे कुछ दिन पहला कैंट एरिए प्रोटेस्ट भी किया जिस बाद सू आश्वासन दे के ADCP साहब वालों उठा दिता गया देवदत्त जी वालों। अही उत्थे करनल जी आए थे, अही उन्होंने गलबात की। उन्होंने सानू यह कहा जी आर्मी वाले कोठी के मालक वो केस जीत चुके हैं तो यह कोठी तुम्हें खाली कर दी जाए कर दी पैनी है। तो जो अं उन्होंने को ऑर्डर मंगया तो उन्होंने ऑर्डर विखाने तो भी इनकार कर दिता। अं इतें यह भी दसना जरूरी समझते हैं जी उन्होंने कोठी के ऑर्डर जरूर ने कि कोठी का केस वो जीते हैं, बट उन्होंने कोई यहोजा ऑर्डर नहीं है जिसे 35 परिवारों को उजाड़न का लिखा हो। 35 परिवारों से घट्टो घट जी 350 लोग रह रहे हैं। एक बहुत गरीब वर्ग का लोग है जी, कोरोना का टाइम है जी, लोगों को खाने के लाले पे ने। इतने आर्मी इन्होंने आके धक्का कर रही है ना, ये बेचारे कोर्ट का दरवाजा खड़का सकते हैं क्योंकि इन्होंने को इन्ने पैसे भी नहीं गए। ये उत्तों कंटोनमेंट बोर्ड में हर तरह का टैक्स अदा करते हैं, भावें बिजली पानी का टैक्स होवे, सीवर टैक्स होवे, प्रॉपर्टी टैक्स होवे, कचरे तक का टैक्स इन्होंने को लिता जाता। इन्होंने अपने नाँ के बिजली के मीटर लगे ने, फिर इलीगल कितों हो गए? अहे जी हाले तक DC साहब नहीं मिले। DC साहब अं प्रोटेस्ट से बैठे हैं, जिनों तक सू कोई नहीं मिलन आता अं इतने बैठे रहेंगे। इतने जी पूरे 35 परिवार आए हैं तो अं सारे यही उम्मीद लैके आए हैं कि DC साहब हमारी मदद करेंगे क्योंकि आर्मी वाले हाडे नालों कोई गल नहीं करते। सू बड़ी बदतमीजी बोलते हैं, रात बरात आके लेडीज़ को तंग करते हैं, सीधी सीधी धमकी लाते हैं, अपने आप खाली कर दो नहीं तो बुलडोजर चला देना। जे ता जानी मानी कोई नुकसान होया तो जिम्मेवार अं नहीं गए। अं दसो कितने जाइए अपनी फरियाद लैके? अं तो साढ़े तो आका DC साहब ही ने शहर के। अं DC साहब को अच्छ अपनी मंग लैके आए हैं कि साढ़े परिवार की सुरक्षा की जाए। अही जी कितने नहीं जाना, अही कोई उन्होंने नैगोशिएशन नहीं करना आए कि सू कोई मकान चाहिए। अही जिते बैठे अं उत्थे ही रहना। अही इन्ने जी खुश हाँ, अही किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं रख रखते। जिवें तुहाडे सामने हुणे मैनूं इन्हां ने दस्सिया कि इह सदर बाजार दे 40 परिवार ने जिहड़े उत्थे काफ़ी पुराने रह रहे हैं और इन्हां नूं अज मिलटरी प्रशासन वल्लों इन्हां नूं घर खाली करन लई कहा गया है। वो इन्हां ने मंग पत्र मैनूं दित्ता है तो जो भी बनती कार्रवाई होगी असीं सरकार नूं जिहड़ा लिख के भेजदे। नहीं डेफिनेटली जी, असीं सारा जिन्ना भी प्रशासन है इंसाफ लई बैठे हैं और ये भी देखांगे इहदे विच जिहड़ी भी धिर सही आ अमृतसर तो कैमरामैन मनोज भगत विशाल शर्मा की रिपोर्ट, लाइव भारत। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बिल्कुल जी बिल्कुल, एने JP सिंह कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी वाले जो है कहंदे ने वो करके दिखांदे ने, अपना कीता होया हर वादा निभांदे ने। एक दो तीन चार नहीं बल्कि वीजिया के ढेर लवांदे ने ते हुण वीजिया के ढेर लगन लई तैयार हो जावे मालवा, क्योंकि JP सिंह खुद आ रहे ने हुण मालवे की धरती ते हर शनिवार मोगा। जेकर तुसी भी पढ़न लई जाना चाहते हो विदेश तां मिलना ना भुलना, क्योंकि जेकर तुहाडी प्रोफाइल देख के JP सिंह ने कमिटमेंट कर दिती तां समझो तुहाडा वीजा पक्का ही है। फिर नोट कर लो, JP सिंह मिलनगे हर शनिवार 21 नवंबर तो मोगा दे बिग बैन होटल दे विच नियर बस स्टैंड।